अपना सेटअप कुछ ऐसा बढ़िया लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये लगेज टेढ़ा है, ये है नहीं, ये वाला बैग थोड़ा सा पीछे आता है बीच बीच में, पर लगेज पूरा सेट है प्रॉपरली। लगेज में लूज होने का भी कोई स्कोप दिख नहीं रहा है सच। तो कुछ ऐसी लग रही है अपनी धन्नो। हमने अपनी बाइक का नामकरण भी कर दिया इस ट्रिप पे, इट्स अ रॉयल एनफील्ड मेटियर 350 सुपरनोवा ब्लू। तो हमने इसका नाम रखा नीला धूमकेतु, क्योंकि ये मीटियर है, सुपरनोवा भी है और नीली भी है, तो ये हो गई हमारी नीली धूमकेतु। मोस्टली हम धूमकेतु बोलेंगे अपनी बाइक को जो हमने उसका नाम रखा है। टेम्पररी होल्ड था, बैक स्ट्रेच करने थी, बॉडी स्ट्रेच करने थी, वो कर ली। 145 किलोमीटर और बचा है, हाफ डिस्टेंस से ज़्यादा हमने कवर कर लिया है। 324 था जब हम निकले थे, 325 ले लो आप, 325 में से 145 बचा है, तो क्लोज टू 170-180 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 12:40 PM और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ अच्छे रेस्टोरेंट पे रुक के एक बार लंच भी करेंगे, और कुछ हमारे फोन्स भी आ गए थे तो ज़रा वो कॉल्स भी अटेंड कर लेंगे। लगेज हमने फिर से टेस्ट कर लिया, लगेज इज फिटेड क्वाइट वेल, सो दैट इज ऑल गुड टू गो। GoPro का सेटअप दोबारा देख लिया, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड वी आर ऑफ अगेन। आपको हमने बाइक दिखा दी कैसी लग रही है, फुली लोडेड मस्त होता है राइडिंग बाइक का जो टच एंड फील और एक वाइब होती है ना, वो अलग ही होती है। बाइक चलाने में वैसे ही मजा आता है, पर राइडिंग बाइक जब आप लगेज लेके चलते हो तो बाइक जो परफॉर्मेंस देती है और बाइक जो वो फील देती है ना आपको एक ट्रैवलर वाला, वो प्राइसलेस है यार, दैट फील इज प्राइसलेस। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब आप राइड कर रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है कि पता होता है कि आपको चार चीजें आपके दिमाग में और चल रही हैं। फोन आ रहा है किसी का, वो आपको केटर करना है, वाइफ का फोन आ रहा था उसको केटर किया, पीछे लगेज है, लगेज का ध्यान रखना है, ऐसे ड्राइवर्स का ध्यान रखना है, गाड़ियों से बचना है, आसपास की सराउंडिंग्स का ध्यान रखना है,
जब तक आप पहाड़ों में नहीं पहुंच जाते जहाँ पे आप थोड़ा चिल कर सकते हो, जब तक आप हाईवे पे हो आपको हर चीज का ध्यान रख के चलना पड़ता है। और फिर आपका इतना लगेज है जो आप लेके चल रहे हो, अपना सामान लेके चल रहे हो, उसका ध्यान आपको रखना है, आपको डेस्टिनेशन पे भी पहुंचना है, यू कांट गेट टू लेट। तो हमने 10-15 मिनट लूज करे हैं, उतना हम कवर कर जाएंगे राइडिंग में, बट हमें आधे घंटे का एक स्टॉपेज तो आधे पौने घंटे का और लेंगे ही लेंगे। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU, जैन मंदिर भी है साथ में, काफी बड़ी यूनिवर्सिटी लग रही है, काफी बड़ा कैंपस था उसका, ऊपर से वो दिख रहा था। और हम ऑलमोस्ट मुरादाबाद टच कर चुके हैं, माइलस्टोन में थोड़ा दूर हो सकता है बट मुरादाबाद की रेंज में अब हम सारा। और यहाँ से देखो बरेली, नैनीताल, लखनऊ, हमें नैनीताल वाले रास्ते पे निकल जाना है, यहाँ से बाईपास कर जाएंगे हम मुरादाबाद को, रास्ता सीधा सीधा ही जा रहा है और आगे से मर जाएगा राइट जो हमें GPS दिखा रहा है। अगर आप अंदर से जाओगे तो मुरादाबाद सिटी के अंदर हो जाएगा, 32 मिनट्स और अभी हमें आधे घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, GPS ऑलरेडी दिखा रहा है। तो ये बाईपास बना हुआ है मुरादाबाद के लिए जो आप ले सकते हो सीधा सीधा बाहर बाहर से, जो ऑलरेडी लेना ही चाहिए, सिटी के अंदर तो कितना भी टाइम लग सकता है। और हमारा डिस्टेंस बचा है 137 किलोमीटर्स, वही 4 बजे के आसपास का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है ETA। रामपुर 35 किलोमीटर्स है क्या, 2 माइलस्टोन हमने देख लिए, दोनों 35 ही बोल रहे, तो वही 30-35-40 की रेंज में है रामपुर। वहां से हमें जाना है रुद्रपुर, हल्द्वानी, सौरभ जोशी भाई के घर के पास कहीं निकलेंगे दूर से, और ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स नैनीताल, नैनीताल भीमताल वाली जो रोड है वो भीमताल नहीं जाएंगे, नैनीताल भी नहीं जाएंगे, भीमताल से पहले लेफ्ट आ जाएगा, वहां से हम ज्वेलिकोट की तरफ चले जाएंगे। अभी प्लान यही है, मोस्ट प्रॉब्ली यही रहेगा क्योंकि लेट इवनिंग या नाइट की ड्राइविंग करने का प्लान नहीं है, तो अगर दिन की राइड का प्लान बना रहे हैं तो यही राइड बनेगा। तो अगर दिन की राइड का प्लान कर रहे हैं तो यही रूट बनेगा, और कोई रूट बनता नहीं है, मतलब यही सही स्टॉपेज है, या तो भीमताल रुक जाओ, मुक्तेश्वर तो दूर पड़ जाएगा आपको, या आप नैनीताल रुक जाओ, या फिर आप जोलीकोट और उसके आसपास विसिनिटी में और 2-3 चीजें हैं, बनगूट, सत्तार, वहां भी रुक सकते हैं, बट विद इन सर्टेन किलोमीटर ही रुकना पड़ेगा आपको, 10-15 किलोमीटर के अंदर, ताकि आप दिन की राइड करो। धूप नहीं आई आज तो मुझे लग रहा है मेरा भी जल्दी हो जाएगा, हमारी लाइट्स गाड़ी की डेफिनेटली टेस्ट हो जाएंगी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आज, मुझे वाइब आ रही है कि थोड़ा तो अंधेरे में हम चलेंगे, लास्ट के आधा एक घंटा हम अंधेरे में ड्राइव करेंगे जहाँ पे हमारी लाइट्स टेस्ट हो जाएंगी, या पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ भी थोड़ा बहुत टेस्टिंग हो जाएगी। बाकी देखते हैं, चल के पता चलेगा, जैसा रहेगा आपको भी पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा, नज़ारे फिर से अच्छे हो गए, बहुत सारा एग्रीकल्चर, सरसों उगाई हुई है वो दिख रही है,